वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। क्या कहना चाहेंगी अच्छा, आप? मैंने वो वीडियो देखा, मेरे ख्याल से कल आया या परसों आया, वो जो लड़की वाला। और एक कल रात तो मुझे नींद नहीं आया, बिकॉज पहले एक ये वीडियो मैंने देखी जो इसमें दोनों लड़की के साथ ये किया और बड़े ट्रॉमेटाइजिंग था। और फिर उसके बाद मैंने तहमीना दुर्रानी का नॉवल पढ़ा था, जिसके अंदर वो मुस्तफ़ा घर वाला सारा चीज़ देखा होगा, इफ़ यू हैव रेड दैट, क्योंकि मैंने हाम खान की भी बुक पढ़ी थी तो आई ऑल्सो रेड दैट, बिकॉज दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर है। तो मुझे तो रात को नींद ही नहीं आया, मैं इतना परेशान हो गई, मैंने कहा यार क्या मतलब क्या करे, मतलब पाकिस्तान से भाग जाए क्या करे, क्या कैसे भागूँ मैं यहाँ से। आई वॉज लाइक जो कहते हैं ना, जिसमें बंदा कहता है यार बस अब बस हो गई है। और अभी उस बंदे को जो पकड़ा था तो उन्होंने उसको सोफे पे बैठाया हुआ था ऐसे, मतलब ना क्योंकि उसने जाहिर सी बात है पैसे दे दिए होंगे, और अभी कुछ दिनों बाद भी वो पैसे देकर छूट जाएगा और उसको तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो मजे से वैसे ही फिरेगा। जो बेचारी लड़की और लड़के हैं तो वो दोनों का फेस भी आ गया, ठीक है, तो सबसे ज्यादा चीज तो उनको फेस करनी पड़ेगी। और मैं देख रही थी, वो एक जर्नलिस्ट आकर कह रहा था कि ये जो है ना, देखें अब लड़की लड़की का क्या काम था कि वो इस तरह से लड़के के साथ जाए, निकाह फॉर्म बनाना चाहिए तब ये चीजें होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर देखे कोई लड़की घर में बैठी होगी या वो मार्केट जा रही होगी तो कोई कैसे उसकी वीडियो बना सकता है। भाई वो लड़की जिसके साथ थी क्या करी थी, वो आपका मसला नहीं है, आपके मुल्क में सेफ्टी होनी चाहिए ना, आप सेफ्टी पे गौर दो। व्हाट इज दिस के वो जब भी ये वो सीपीओ वाला केस हुआ था, मोटरवे वाला, तो उसमें भी उसने ये बोला था कि वो क्या कह रही थी ना मेरम के बगैर वहां पर। तो इनका हमेशा वो यही, मतलब पाकिस्तान में ना अगर कोई भी ऐसे औरत सामने आती है तो वो हर चीज औरत पे ही डाल देते हैं कि तुमने ये किया तो तुम्हारा गलती होगा, तुम ऐसे क्यों किया तुम्हारा गलती है, तुमने जरूर कोई गलत चीज की होगी तुम्हारी गलती है। वो हर बन यहाँ पे मर्द मर्द का साथ बहुत ज्यादा देते हैं और वो उस हाँ, आदमी अपने पास औरतों को भी मिला लेते हैं। तो ये आपको मैं और जितने भी यहाँ दूसरी पे में दिखाए, इंडिया ये वाला केस फेसबुक के से आ बारे रहे में, हैं, जितने भी यहाँ पर हम बात इस चीज पे कर रहे हैं, तो वो मुझे गालियां दे रहे हैं। ये देखिए ना, ये फैसल मीर और ये लोग, इन लोगों की हाँ, समझ में ये नहीं आता असल है कि में औरतें वही कैसे रह रही लोग हैं हैं। ना जो अपने घर में भी क्योंकि देखे वो जो इस तरह के मर्द है ना, वो अपने घर में भी अपनी माँ बहन को ये पीटते हैं, अपनी बीवी को पीटते हैं, जबकि हम जैसी आप जैसी मैं ली जैसी सुपर वुमन्स को देखते हैं, मेरी जैसी को देखते हैं, तो ये ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि आपने कभी नोट किया कि सऊदीया में ये औरतों को क्यों दबाते हैं, सऊदी वुमेन आर वेरी इंटेलिजेंट, व्हेन दे सी दीज वुमेन्स बीइंग इंटेलिजेंट तो ये जो है ना एक कमतरी का इनको एहसास होता है, क्योंकि ये देखते हैं कि औरत हमसे खूबसूरत है, ठीक है, मतलब औरतें ज़्यादा खूबसूरत होती हैं मर्दों से, औरत के पास हुसन है, औरत के बाल बहुत प्यारे हैं, उसका मेकअप करके बड़ी खूबसूरत हो जाती है, मतलब औरत इज़ द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। औरत माँ बनती है, बच्चों को बड़ा जन्म देती है, माँ की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। औरत अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन इज़ लविंग अ वूमन, तो हो सकता है वो लड़की उसको रिजेक्ट कर दे, पर ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कम केसेस में होता है कि अगर एक औरत किसी मर्द से प्यार करती है तो मर्द उसको रिजेक्ट कर दे। तो ये देखते हैं कि औरत तो सब कुछ है, तो फिर ये कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जब ये कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये औरत के साथ इस तरह के रवैये करते हैं ताकि ये इनकी कमतरी का जो एहसास है उसके अंदर बढ़तरी ऐड हो जाए, और हम जैसी औरतों को देख के इनका जो है ना वो बस अंदर से इनको इसमें गुस्सा हो जाता एक है कि देखिए, यार ये एक तो कैसे हो इसमें गया। कल्चर है हमारा, कल्चर की बहुत बड़ी वो है, और मैं इस पे यही बात कर रही थी कि एज ए हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जब से दुनिया बनी है, जब से भी चल रहा है, तो औरत हमेशा से घर में रही है, औरत वीक समझा गया है औरत को। और फिर अगर आप हमारे इस्लामी ममालिक की तरफ आ जाते हो, तो वो तो इस्लाम में हमारा तो दिमाग ही आधा है। ये चीज अगर आप समझ रही हो कि ये चीज आजकल के नौजवान जो लोग हैं वो इस पे नहीं बिलीव करते हैं, तो आप बहुत गलत हो। मैं कितने यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, एक ने तो बाकायदा बोला था कि औरतों का तो दिमाग ही आधा होता है, तो नीचे गालियां पड़ रही थी उसको। यानी लोग ही, हम तो बोल रहे हैं ना, हमें सुनने में कितना अजीब सा लगता है कि औरतों का दिमाग आधा है ना, क्योंकि औरतों का भाई साइंटिफिकली पता चल गया दिमाग दोनों का इक्वल होता है, इतने दोनों के पास एक ही, कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है कोई कम इंटेलिजेंट, ये थोड़ी कि हमारे अंदर दिमाग कम है। मगर जो बंदा वाकई में ये बिलीव कर रहा है कि औरत का दिमाग आधा है, औरत हमारी आधी है,
तो फिर वो अपनी औरत को मारेगा भी, पीटेगा भी, उसका रेप भी करेगा, और वो हर औरत के साथ करेगा, सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही नहीं करेगा। और उसको वाकई में, उसको जब हमारे जैसी औरत पड़ जाती है तो उसकी गैरत जाग जाती है, हाउ डेयर शी, ये तो औरत है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे से बात करे। दैट्स व्हाट इट इज ना। तो अब और जो द ये थिंग इंडिया इज कि वाला भी जो है, पाकिस्तान से भागना सोल्यूशन नहीं है, पाकिस्तान से लड़कियों का भागना सोल्यूशन नहीं। कितने लोग यहाँ बाहर आएंगे, आपको वहीं बैठ कर वहां पे करना पड़ेगा। तो खैर इस चीज पे कल मैं बहुत सोच रही थी, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को जानती हूँ जिसको लॉक करके ना इस वक्त घर में बिठा दिया है, उससे कोई किसी का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मैं पर्सनली बता रही ओहो, हूँ जिसको मैं जानती हूँ। टेल मी आर तो डिटेल्स ताकि अब मैं किसी तरह उसको हेल्प करूं। नहीं, मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से हमारा उससे कांटेक्ट हो, मगर वही अच्छा बात है ना, जिनसे हम बात कर रहे हैं वही हमें बता रहे थे कि उसको बिल्कुल ही कट ऑफ करके रख दिया है। तो जब ये लोग आके बोल रहे होते ना ऐसी बातें, ओहो, तो मैं कल मैं बैठ के यही सोच रही थी, मैं कह रही थी यार ये लोग आके हमेशा मुझे बोलते हैं पाकिस्तान में काम करो, तो आई एम गोइंग टू रजिस्टर इन एनजीओ, मैंने ये खुद वो करा है, अब अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मगर हम स्टार्ट तो करेंगे ना, फिर देखते हैं कि आगे होता क्या है। क्योंकि अगर एक एग्जैक्टली, ऑन द ग्राउंड कोई एक बिल्कुल ऐसी चीज हो जिसको, जैसे एक फोन नंबर ही हो कि वो बंदी के हाथ फोन लग जाए, या वो ईमेल कर दे किसी को हेल्प के लिए, तो वी कैन एक्चुअली गो एंड हेल्प देम। क्योंकि जो लोग अभी हैं, आई एग्जैक्टली डोंट, आई एम प्रीटी श्योर हैं वहां पर एनजीओ और औरतों के उसपे हैं, मगर एक दफा मैंने देखा था कोई न्यूज पे, औरतों का शेल्टर था कोई, तो वहां पे औरतों के शेल्टर पे वहां से औरतों को ले जा जाके ये लोग सेक्स स्लेव्स बना रहे थे, एग्जैक्टली वहां पे प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे यही होता है कि जो शेल्टर है वहाँ पर भी औरतें सेफ नहीं है, वहाँ पर भी उनके जो है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहाँ पर की जाती है। और दूसरा, एक मैं देख रही थी, एक ना अमेरिका की कोई शेल्टर थी, वुमेन शेल्टर, जिन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी, एक औरत को उन्होंने इसी तरह मतलब सेफ किया था। वो काफ़ी मतलब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी यूट्यूब पे, आई डोंट रिमेम्बर इट। तो बिल्कुल हम ये बना सकते हैं, और उसके अंदर मेरी कोई भी मदद की आपको ज़रूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर। अभी वो बंदा एक आकर कह रहा था ना कि मैडम आप जो है इंडिया के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं, ये वो कह रहा कह रहा, तो उसको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि हमने ना रॉ को छोड़ के आईएसआई में शिफ्ट हो गए हाँ, अब हमने शिफ्ट ही कर अब लिया इंडिया वाले कहेंगे आईएसआई की एजेंट है, आईएसआई वालों और रॉ वालों, आई एम अवेलेबल भैया, मेरे को थोड़ा सा पैसे दे दो, मैं एग्जैक्टली तुम दोनों के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। ओके, चले, थैंक यू सो मच, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, ओके, एंड होपफुली यू विल कम बैक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। ठीक है, चले, टेक केयर, बाय बाय।